वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस चैनल मेडिकली ज्ञान में। आज हम लेके आए हैं फिर से आपके लिए एक और टॉपिक, गाल ब्लैडर में पथरी होना या फिर पित्त की थैली में पथरी होना। इसे मेडिकल टर्म में कोलीलिथियासिस हम कहते हैं। अब ये स्टोन है, अब सबसे पहले बात करें तो ये होता क्या है। तो आपकी जो पित्त की थैली होती है उसके अंदर पथरी बन जाती है, कैल्शियम की हो सकती है या फिर किसी और मटेरियल से ये पथरी बन जाना, गांठ सी बन जाना जो इसके अंदर रुकावट पैदा करे, उसे कोलीलिथियासिस की कंडीशन कहते हैं। अब कोलीलिथियासिस की बात करें तो ये क्या होगा, इसकी जो कारण हो सकते हैं तो कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, कैल्शियम का आपकी बॉडी में बढ़ जाना, या फिर जो बाइल है या फिर जो आपका कह सकते हो जो जूस बनने का अंदर जो बाइल डक्ट या पित्त की थैली में पित्त बनता है उसके बनने के प्रोसेस में परिवर्तन आना, या पहाड़ी इलाकों में जो लोग ज्यादा रहते हैं उनके, या फिर ज्यादा जो कोर्टिकोस्टेरॉइड का यूज करते हैं या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव गर्भनिरोधक का ज्यादा यूज करते हैं उनके अंदर, लीवर की कोई दिक्कत हो आपको पहले से, या फिर लीवर के अंदर इन्फेक्शन हो या लीवर का कैंसर हो, डायबिटीज हो आपको, बाइल डक्ट जो है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, इन्फेक्शन हो गया है बाइल डक्ट के अंदर, या फिर कोई सर्जरी कराई है आपने, इस कंडीशन में आपको ये हो सकता है, या फिर आप तेल वाला खाना ज्यादा खा रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में भी आपको गॉल ब्लैडर में पथरी की कंडीशन आ सकती है। तो अब बात करते हैं कि इसके सिम्टम क्या आते हैं। देखिए, सिम्टम के अंदर आपको पेट के अंदर दर्द होगा। गॉल ब्लैडर लीवर के पास पाए जाने वाला एक ऑर्गन है छोटा सा, तो पित्त की थैली होती है, थैली के अंदर क्या होगा, आपको बहुत ज्यादा पेन महसूस होगा, तो लीवर में भी वो पेन आएगा, लीवर में भी आपको सूजन आ सकती है, दर्द बहुत ज्यादा होता है, डकारे आना, पेट के अंदर आफरा आना, पसीना बहुत ज्यादा आएगा आपको, उल्टी, नोजिया, वोमिटिंग दोनों होगी, उल्टी और जी घबराना, बुखार हो सकती है आपको, टॉयलेट जो आएगा वो मिट्टी जैसा आएगा, मिट्टी का रंग होता है ना क्ले, उसके जैसा ही आपको टॉयलेट आएगा, और आपको जॉइंडिस की कंडीशन, क्योंकि पीलिया की बीमारी जॉइंडिस कंडीशन हो सकती है, खाना पचने की दिक्कत, कब्जी वगैरह, ये कंडीशन आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। अब जब ऐसी कंडीशन आती है तब हम कुछ जांचें करवाते हैं। जांचों में एक्सरे, आपका अब्डोमन का अल्ट्रासोनोग्राफी कराया जाता है, कोली एंजियोग्राफी कराई जाती है, मतलब जो पित्त है आपकी थैली है उसके अंदर एंजियोग्राफी कैमरा डाल के देखा जाता है कि क्या दिक्कत है, कहां पर ये फंस गया है, या फिर जो लीवर की स्कैन होते हैं लीवर का स्कैन कराया जाएगा, लीवर के कुल टेस्ट होते हैं LFT, लीवर फंक्शन टेस्ट कराए जाएंगे आपको, स्टूल का एग्जामिनेशन, यूरिन का एग्जामिनेशन, ब्लड के एग्जामिनेशन आपके ये कराए जा सकते हैं, जिससे पता चलता है कि प्रॉब्लम किस वजह से है। कई बार कुछ इन्फेक्शन बैक्टीरियल वगैरह की वजह से भी ये हो जाता है। तो अब बात करते हैं डायग्नोसिस की हो गई, तो अब आएंगे ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट की हम सिर्फ सलाह नहीं देते हैं, हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपको ट्रीटमेंट चाहिए तो आप डॉक्टर के पास जाइए, हम सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि ये संभावनाएं हो सकती है ट्रीटमेंट की, हमारे कहने पर आप ट्रीटमेंट नहीं लीजिए। तो ट्रीटमेंट की बात करें तो आपको लो फैट डाइट लेनी होती है, फैट को कम कर देना है, प्रोटीन आपको बढ़ा देना है, कैलोरी आपको बढ़ा देनी है, ये आपको डाइट लेनी है। इसके बाद और ट्रीटमेंट की बात करें तो विटामिन के, अगर आपके इसमें ब्लीडिंग हो रही है तो डॉक्टर विटामिन के का स्टार्ट करा देते हैं ब्लीडिंग के लिए, और भी कुछ टर्मेक्सिमिक एसिड वगैरह टैबलेट वगैरह भी इसके अंदर स्टार्ट कराई जाती है। कुछ एंटीबायोटिक थेरेपी, नोरफ्लोक्सासिन, ओफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, अमिकासिन या मोनोसेव जैसी एंटीबायोटिक इसके अंदर चलाई जाती है। तो ये नॉर्मल जो अगर छोटा मोटा आपको इन्फेक्शन साथ में है तो उसके लिए चलाई जाएगी, ज़्यादा हैवी नहीं चलानी होती है क्योंकि लीवर पहले से दिक्कत आ रही है। अब वोमिटिंग आ रही है तो हम वोमिटिंग के लिए एंटीमेटिक मेडिसिन ओंडास्टोरिन या पेरिनोरम जैसे दे सकते हैं, या IV भी दे सकते हैं। अब इसके अंदर स्टोन है तो कुछ यूरिलाइजर का उपयोग किया जाता है, स्टोन को खत्म करने के लिए हम कुछ यूरिलाइजर का, यूरो डॉक्सी साइक्लिक, यूरोडॉक्सी साइक्लिक सॉरी, कुछ मेडिसिन का यूज करते हैं, एसिड होते हैं ये, या फिर यूरिलाइजर वगैरह हो गया, या लीफ 52 वगैरह भी इसके अंदर दी जाती है, लीवर को थोड़ा सा स्पोर्टिव मैनेजमेंट के लिए, बाकी वैसे नहीं दी जाती है। और आपको फूड जो आपका है उसके अंदर थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, जैसे हमने बताया आपको फैट कम कर देनी है, कैलोरी हाई कर देनी है, प्रोटीन हाई कर देना है, ये आपको डाइट इसके अंदर दी जाती है। कुछ इसके अलावा थेरेपियां भी दी जाती है, लेजर थेरेपी, लेजर थेरेपी के द्वारा एक लेजर की किरणें डाल के इस पथरी को तोड़ा जाता है, जो स्टूल के द्वारा स्टूल में बाद में बाहर निकल जाती है टुकड़ों के रूप में, ये लिथोट्रेप्सी जो इसे कहते हैं। अब इसके बाद बात करें
तो ये टॉयलेट के द्वारा सारा निकल जाता है। अब इसके बाद अगर सही नहीं होता है, ये मेडिकल मैनेजमेंट अगर दवाइयों से सही नहीं हो रहा है, तो क्या करते हैं ऐसी कंडीशन में? सर्जिकल रिमूवल के द्वारा गॉल ब्लैडर को ही बाहर निकाल दिया जाता है, काट के उसको अलग कर दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है ये प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। बट जब ऐसी कंडीशन आती है तो आपकी बॉडी से एक महत्वपूर्ण चीज निकल गई है, गॉल ब्लैडर पित्त की थैली, तो पित्त बनना बंद हो जाएगा और आपको लॉन्ग टर्म के लिए या लाइफ टाइम के लिए एंटासिड वगैरह या खाने के अंदर कुछ कॉम्प्रोमाइज करने पड़ सकते हैं। तो ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो, कोलिलिथियासिस या पित्त की थैली में पथरी होने का। तो अगर आप वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए हमारे साथ, हम हैं आप हैं मेडिकली ज्ञान। थैंक यू वेरी मच।